हेलो, राम राम भाई सारे चीते छोरा ने। तो भाई मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश बॉक्सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आशा करते हो भाई सारे भाई बढ़िया होंगे। तो भाई वहाँ पर चल रहा है अपना MNV 3 सेल का, मतलब 3 पोर्शन में है। तो वहाँ पर दिखाता हूँ जाके भाई सारे भाई ब्लॉक में बने रही है, क्या काम चल रहा है क्या नहीं। बाकी मौसम देख लो भाई कितना ज़बरदस्त हो रहा है। ये मेटेरियल यहाँ डाल रखा है भाई, और ये हाइड्रा बुला रखी है ताकि अपना सामान वहाँ तक पहुँच सके। तो ये रोलिंग वाला है, रोलिंग करता है बेड वो, ये वैसे खड़ा। बारिश का मौसम चल रहा है, बाकी वेदर देख लो भाई कितना ज़बरदस्त हो रहा है। वह लगा रखी है TS लेवल देने के लिए, क्रैश बैरियर का लेवल दे रहे हैं भाई इस पर। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी का स्टील वगैरह अपना पूरा आ गया साइड का। ये भाई ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो क्रैश बैरियर है ना, इसके साथ साथ में 500 mm का गैप रहेगा, तो उस गैप का पॉइंट है ये पूरा 500 का गैप है यहाँ पे। फिर अपना सरिया बांधा बांधना चालू करेंगे इस पर। देख इसकी जो बैक, इसमें जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग इसकी पूरी कर दी है टेप लगा के। और ऊपर तो इसमें सटरिंग ऑयल भी मार दिया है। सटरिंग ऑयल का रीज़न ये होता है मारने का, ताकि कॉन्क्रीट चिपके ना इसमें, ठीक है। और ये देख लो अभी वो सरिया है, वो पड़ा जो वहाँ पर, उसका नंबर बांधने का, उसके ये पॉइंट दे रहे हैं अपने हिसाब से बंदे। कितनी स्पेसिंग आया है? 200। हाँ ठीक है। ये भाई जो बॉटम का सरिया होगा उसमें 200 की स्पेसिंग है। फर्स्ट वाला सेल अपना तकरीबन तैयार हो चुका है, 2 पॉइंट वहाँ पे दे दिए, 2 पॉइंट यहाँ हो गए क्रैश बैरियर के। उस साइड में भी क्रैश बैरियर है, और वो वाला सेल है उसका काम चल रहा है अभी। इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, ये ग्राइंडर मारी हुआ ब्रश मार कर ना, तब ये सटरिंग ऑयल लगाया है उस पर भी। ऐसे ही दिखाता हूँ वहाँ पर जाकर, सरिया बांधना चालू कर दिया भाई। सेकेंड पोर्शन में अभी इसके प्लेटों के ऊपर ग्राइंडर लगेगा, ग्राइंडर लगने के बाद में ये सेटरिंग ऑयल लगेगा, उसके बाद में इसके अंदर कच्ची सीमेंट फीलिंग होएगी। फीलिंग होने के बाद में फिर इसके ऊपर सरिया चालू करेंगे इसका बॉटम का। और उधर अभी काम बाकी है उसका, थर्ड सेल का। ये ब्रैकेट का सरिया डाल रखा है भाई, कितना हैवी स्ट्रक्चर हो रहा है ये देख सको। ये जो है ना सारा ब्रैकेट का सरिया है, इसके ऊपर एक स्लैब भी आएगी 3.5 मीटर की, ताकि स्ट्रक्चर पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इस चीज़ तक जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी बाद में बताऊँगा। जैसे थर्ड सेल का काम जोर शोर से चालू हो गया है।
देखो भाई ये बांडर डाल रहे हैं बॉटम के, ये देखो कैसे डाल रहे हैं। इनका आइडिया देख लो डालने का, 200 की स्पेसिंग पे है ये। आपने हड़के हड़के चौक के निशान देख रहे होंगे ब्रैकेट के सरिये पे, वहां से डाल रहे हैं 200 की स्पेसिंग। मिस्त्री पूरी 200 की आने दी स्पेसिंग है, पूरी 200 है ना। और हेलो इधर देखे, वो जो वाल का बांडर है वो हाइट में है, थोड़ा डाउन करना है उसको, डाउन कर देना थोड़ा, ठीक है। सरिया देख लो भाई कितना जबरदस्त लग रहा है बिछा हुआ। ये भाई नीचे वाला है जो 16 का सरिया देख रहा है आपको, बॉटम का मेन बार है। इसकी स्पेसिंग है अपनी वो जो देख रहा है वहाँ पे 175, और जो बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार है सेम उसकी है 175 की, लेकिन फर्क इतना है वो 16 का है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो वो 12 का है। इस सेल का तकरीबन काम हो चुका है, इसमें भाई एक बार इसकी ना इसमें वो ग्राइंडर मार के इसकी सफाई करवानी है बॉटम की। और वहाँ पर प्लेटें लग रही हैं, कुछ पार्ट में लग गए हैं, कुछ बाकी हैं, अभी काम चल रहा है उसका, वो अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा आपने। बाकी आज बारिश हो रही है भाई अच्छे वाली। तो भाई आज का वो लोग यहीं समाप्त करते हैं अपना। तो भाई सारे भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना। जय हिंद जय भारत।